तो 13 अगस्त को मुझे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा पूरा नोटिस आया है, और जब मैं जाकर फोटोज में देखता हूँ मैंने ऐसा क्या रूल तोड़ा है, तो वो देखो जरा। आज है पानी भरने का टर्न मेरा। ऐसा हम लोग का टर्न चलता है, कभी दीप्ति भरती है कभी मैं भरता हूँ। पानी भरने इन सेंस कुछ नहीं, पानी तो पूरा चढ़ जाता है टंकी में, बट वॉशिंग मशीन और बाल्टियाँ थोड़ी सी भर लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा उठना। ये कौन जागा भाई? अच्छा ये मुर्गा। पर इसके लिए जो उठना पड़ता है ना वो बहुत कंटाल वाला काम है। चलो आज जल्दी उठ ही गए तो अपन जिम भी निकल जाते हैं जल्दी। वैसे मैं आज जो उठा हूँ मैं हेडेक से उठा हूँ, पानी भरने के हिसाब से भी नहीं, मैं हेडेक से उठ गया। उठ के मुझे 1 घंटा हो चुका है, इतना सर दुख रहा है, इतना सर दुख रहा है बता नहीं सकता। इसके लिए क्रोसिन खाया है, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है बट वापस ना आ गया। सोचा था खा के सो जाऊंगा बट आज उठ ही गया हूँ तो पानी भी मैं भर लेता हूँ, तो भर दिया मैंने, वरना सर बेकार फट रहा है भाई, बहुत बेकार। तो अभी जिम जाने का टाइम हो गया, पर उससे पहले कुछ खाना तो पड़ेगा राइट। पर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ खाऊं और निकलूं, क्योंकि अगर अभी मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा उसको हजम करने के लिए। फिर अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली तो वर्कआउट के बीच में डकारी आएगी, अजीब सा फील होगा, उल्टी ऐसा लगता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि अपने को मारने का लेग्स। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मैं ऐसे टाइम पे क्या करता हूँ, ऐसे टाइम पे मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, उसमें डालता हूँ ओट्स, थोड़ा सा पीनट बटर, उसको ग्राइंड करता हूँ और पी जाता हूँ। तो मुझे इनाफ कैलोरीज मिल जाती है एक वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है 1 घंटे के अंदर और पूरी एनर्जी भी मिलती है। बट लकीली मेरे पास है एज इट इज का एटम परफॉर्मेंस वे, जो कि एक वे प्रोटीन है, बट ये एज ए मील रिप्लेसमेंट काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके एक स्कूप में आपको मिलता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 20 ग्राम प्रोटीन, और कैलोरीज भी लगभग लगभग 140। तो इसका 1 से 1.5 स्कूप बहुत होता है पूरे वर्कआउट में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। बट हाँ, अगर मुझे कोई पूछेगा कि भाई मुझे लीन मसल गेन करना है और मैं कौन सा प्रोटीन लूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा परफॉर्मेंस वे, बिकॉज जब आप वेट लॉस पे होते हो तो तब भी आपको 150 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स डेली का लेना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर वेट। अगर मैं अपनी डाइट की बात करूं तो मुझे कम से कम 220 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 150 ग्राम के आसपास प्रोटीन लगता है डेली का, और 60 ग्राम फैट, तो ये मेरा पूरा मैक्रो है। बट इतना नापतोल करने के बाद भी मेरा लगभग लगभग 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली का रह जाता है। वो कहाँ से पूरा हो रहा है? वो यहाँ से पूरा हो रहा है। अभी मैं इसे सिर्फ एज ए मील रिप्लेसमेंट के हिसाब से यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको प्राइमरी मेरा ये पोस्ट वर्कआउट मील भी है। कभी कभी ऐसे हैवी लेग वर्कआउट या फिर बैक वर्कआउट के बाद में है ना भाई, मुझसे तो कम से कम लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे तक खाया नहीं जाता है। तो मोस्टली मेरा जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो है वे प्रोटीन। इसका जो पिस्ता फ्यूजन फ्लेवर है वो बहुत ही यमी है, इजीली ये पानी में मिक्स भी हो जाता है और पीने के बाद इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। अब ये जो एटम का परफॉर्मेंस वे है ये एक्चुअली ब्लेंड है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये जो दिख रही है आपको मसल बूस्टर ब्लेंड, ये जो ट्रिबुलस टेरेस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और सफेद मिर्ची एक्सट्रैक्ट और मुकाना एक्सट्रैक्ट जो है, ये चीज क्या करती है एग्जैक्टली? ये तीनों चीज एग्जैक्टली क्या करती है? ट्रिबुलस जो है, ट्रिबुलस आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है उसको गेन करने में हेल्प करता है, सफेद म्यूसली आपकी जो मसल फटीग है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो मुकाना एक्सट्रैक्ट है वो मेंटल फोकस बढ़ाता है, तो उस चीज में हेल्प करता है, और ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। अब मुझे ये परफॉर्मेंस पे लगभग लगभग 20 दिन हो गए यूज करते हुए, और मैं बोल सकता हूँ भाई बहुत इफेक्टिव है। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने इसे यूज करना शुरू किया है पोस्ट वर्कआउट में, वर्कआउट के बाद जब मैं इसे लेता हूँ तो मुझे ज्यादा मसल रिकवरी फील होती है। तो ये 1 kg आपको पड़ेगा लगभग 1600 रुपए का। अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो यूज माय कूपन कोड हियर वसीम एज इट इज, तो इस पे आपको 5% ऑफ ज्यादा मिलेगा, मतलब लगभग 1500 के आसपास। तो 1500 में 1 kg बहुत अच्छी डील है यार, तो जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कूपन कोड भी। और अगर इसे कोई यूज कर रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना इसका रिजल्ट कैसा है। तो फिलहाल मैं ये पीता हूँ और जिम के लिए निकलता हूँ, क्योंकि मुझे वापस भी आना है और आज हम लोग शायद जाने वाले हैं टाउन। लेट्स सी, जाते हैं नहीं जाते हैं पता नहीं, क्योंकि मेरा हेडेक जो है ना वो धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो मैं उससे पहले वर्कआउट करके आ जाता हूँ। तो रिसेंटली मुझे एक ना मुंबई पुलिस से एक नोटिस आया, नोटिस ही समझ लो, लिटिगेशन वाला एक मैसेज आया। एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, ये लोक अदालत नोटिस फॉर प्री लिटिगेशन रिगार्डिंग ट्रैफिक वायलेशन। मैं टेंशन में, मैं बोला यार ऐसा क्या कर दिया मुझे जो ऐसा लिटिगेशन वाला आ गया नोटिस। तो जाकर मैंने अंदर चेक किया तो एक्चुअली चालान था, और ये चालान था अप्रैल का। मैंने कभी अपना नंबर रजिस्टर नहीं किया था, तो मैंने जाकर ऐप पे एक बार किया और देखा तो चालान था अप्रैल का,
और वो नहीं भरा करके मुझे ये प्री लिटिगेशन वाला जो है आया है नोटिस। तो इसमें ये दिया है कि अगर 13 अगस्त तक मैंने पे नहीं किया 13 अगस्त से पहले तो 13 अगस्त को मुझे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो भी रहेगा वहाँ पे करना पड़ेगा, जो मेरे पे लगेगा वो अलग। तो ये इतना बड़ा पूरा नोटिस आया है। और जब मैं जाकर फोटोज में देखता हूँ कि भाई मैंने क्या तोड़ा, मैंने ऐसा क्या रूल तोड़ा है, तो वो देखो जरा, ये देखो यहाँ पे फोटो। आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, ये फोटो में जो बंदा है वो मैं हूँ, ये स्कूटर मेरी है, इसमें जो नंबर आपको कहीं दिख रहा है वो चीज मुझे बताओ नीचे कॉमेंट करके। क्या ये मैं लिख रहा हूँ, कोई एंगल से मैं लग रहा हूँ, कोई एंगल से मतलब ये मेरी स्कूटर लग रही है, कलर भी एक्चुअली वो नहीं है और नंबर तो आपको दिख ही नहीं रहा, बराबर। क्या हिसाब से फाइन मारते हैं पता नहीं भाई, क्या वो जो बैठ के जो कैमरा चेक कर रहा है वो किसका भी नंबर डाल देता है क्या ऐसी उठा के। ये बहुत बड़ी भाई समस्या है अपने इधर कि किसी का भी जा रहा है, किसी का भी चलान कट रहा है। खैर जो भी है, मैंने ऐप डाउनलोड किया, उस पर ग्रीवियंस डाला है, पता नहीं उसका रिप्लाई कब आएगा, आएगा कि भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला भाई। अपनी गलती नहीं है, ना अपनी स्कूटर है, ना अपना गाड़ी का नंबर है, ना गाड़ी का कलर है, ना गाड़ी में बैठा वो मैं हूँ, और ना उसके पीछे जो अंकल बैठे हो मेरा कोई रिलेटिव है। प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोग के साथ ये हुआ है, और हुआ है तो आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि मैं नहीं जा रहा भाई। क्या हुआ, क्या सोच रही है सर, बताना मेरे को भी जानने का है। ऐसे मैसेज पढ़ के क्या तू सोच रही है, क्या बोल रही है? मुझको याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने तुमको मैसेज किया था। क्या मैसेज था, दिखा दिखा ना। नहीं बताने का, तू नहीं बताएगी तो मैं तो बता ही सकता हूँ ना, मेरे पास ही है। हाँ जाओ बता, बताओ कैसे बताऊंगी, बताओ। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। हाँ बता ना, इतनी गहरी सोच में मैसेज करके खुद ही सोच रहे मैंने कब मैसेज किया, मैंने रिप्लाई भी किया था। हेलो कैसे हो आप, इलेन पिलेन पीछे इतना पड़ा ना, सीख रहा है वो, खोलता है लगातार, खोलता है लगातार, सीख रहा है। इसके लिए भी पजल वाला गेम लाना पड़ेगा। चलो चलो, वो इसका भी डॉक्यूमेंट्स का भी काम करने का। परसों ये ठीक हुआ, कल ये बीमार पड़ गई, आज मैं बीमार पड़ गया। सुबह भी क्या, रात से मैं परेशान हूँ, इतना बेकार हेडेक हो रहा है, पूरा माथा गर्म पड़ा मेरा। रोसिन खा के फिर सोया, फिर उठा। मॉन्स्टर पै पै नहीं, तेरे से मेरे को मिला है बुखार। बस समझ सकता ना, सरदर्द तो मिला है ना तेरे से। मैं ही सरदर्द हूँ बोल दो। हाँ? है मत करो, खुशी अंदर से तो खुशी हो रही है। मैंने तो? कुछ नहीं बोला, इसने बोली जो भी बोली। आज इरेन का फेवरेट पिलो जा रहा है धोने के लिए। कितने महीनों से नहीं धुला ये, इसमें गट्टे नहीं पड़ेंगे। हाँ खराब होगा, पूरा बास मार रहा है। नहीं नहीं सब गिरा, और उसको इसके बिना नींद भी नहीं आती। हाँ इसके बिना नींद नहीं आती है, रात करके सोएगा, पूरा गोल घूम के सोएगा, पर उस पे सोएगा। अभी जरा अपनी चाय बन रही है, चाय पीते जरा फ्रेश होते, क्योंकि बैठे रहूंगा तो सिर्फ बैठे रह जाऊंगा। अच्छा है कि मैं चाय पीऊँ, फ्रेश हो और जरा काम पे लगे। आज हम लोग एक दो काम है जरा निपटा लेते हैं। कड़क कड़क गरम है, कड़क कड़क। जरा चाय पीता हूँ, फ्रेश होता, फिर आपको बताता हूँ क्या प्लान है हमारा। पहला काम है हम लोगों को इरिन का पासपोर्ट बनाना है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसकी मम्मी का एड्रेस अलग है पासपोर्ट पे, मेरा अलग है, उसका सरनेम अलग है, मेरा अलग है। तो अभी हम लोगों को गैजेट बनाना पड़ेगा और दीप्ति शेख ऐसा नाम डालना पड़ेगा, और एड्रेस ये घर का आएगा। जब एड्रेस सेम होगा तो इरिन के लिए फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब भी आएगा आएगा पासपोर्ट आएगा। क्यों रीज़न इरिन का पासपोर्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में हम लोग पहला इंटरनेशनल ट्रिप मार के आएंगे अपना, है कि नहीं? मतलब वैसे पहला नहीं है, इससे पहले भी जा चुके हम लोग, घूम फिर के आ चुके। इरेन का पहला रहेगा, हम तीनों का एक साथ पहला रहेगा, तो ये बोल सकते हैं। तो दूसरा ये है कि हम लोग को स्टेशनरी जाना है, स्टेशनरी शॉप, वहाँ से कुछ डेकोरेशन का सामान लेना है। हम लोग तो जाने वाले हैं टाउन वैसे भी, पर यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा भाव भाव निकाल लेते हैं। यहीं से ले सकते हैं तो यहीं ले लेंगे, वरना हम लोग क्रॉफर्ड जाके पूरा खरीद के वापस लेके आना पड़ेगा, जो कि हम लोग कल जाएंगे, आज नहीं। और तीसरा हम लोगों के इरेन के लिए अभी गेम्स खरीदने के कुछ, अभी एक पंगा ये है, इरेन बैठा है नीचे और हम लोग की स्कूटर है बाजू में, और देखिएगा तो पीछे पड़ जाएगा। तो ये दिख रहा है ठुमके जेरोक्स एंड मैजिक साइबर कहते हैं, बस यहीं पे गैजेट का काम, पासपोर्ट का काम, सब काम हो जाता है। कुछ मेरे पास है ना आधार कार्ड। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े प्रोसीजर है ना, मैं क्या बताऊँ।
खाली अभी नाम चेंज करने के लिए दिया है, अभी नाम चेंज करने के लिए दिया है, एड्रेस के लिए तो इतना मारा मारी है, ये लेटर चाहिए, वो लेटर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा शादी के बाद फीमेल्स को थोड़ा सा इजी वे बनाना चाहिए, क्योंकि सरनेम एड्रेस सब होता है, एक शॉर्टकट वे बनाना चाहिए। अभी इसके नाम पे भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि यहीं पे रह रही है, तो इसके लिए लेटर लेना पड़ेगा हम लोग एमएलए का, तो एमएलए का लेटर काफ़ी नहीं है, एमएलए का लेटर आएगा ना तो हो जाएगा, तो वो भी हम लोग को मतलब 2-3 हफ्ता तो इसमें निकल जाएगा अभी ऐसा लग रहा है। फिर वो लेटर और यहाँ से जो गैजेट का जो गैजेट होगा वो लेके जाके हम लोग को आधार कार्ड ऑफिस देना पड़ेगा, वहाँ जाके सबमिट करेंगे तब दोनों नाम और एड्रेस दोनों चेंज हो जाएगा, तो नया आधार कार्ड बन के आएगा। उसके बाद में का पासपोर्ट बनाना, क्या बोले, उसके बाद में इरेन का पासपोर्ट बनाना। तो हम लोग घर वापस आ गए, हमारा काम तो हुआ नहीं, खिलौना लेने के लिए हम लोग जाने वाले थे इन्फिनिटी, बट का हुई ये डर के उठा और उल्टी कर दिया। पता नहीं कौन सी चीज से डर गया है कि पूरा सुसु कर दिया मेरे पे, और मेरा हेडेक फिर से जबरदस्त बढ़ गया, हालत खराब हो रही है भाई, छोटी सी नैप मारना ही पड़ेगा। अभी हमारे घर आए हैं सकलीन शेख। सकलीन शेख जी, आपका हमारे काम करना पड़ेगा, एमएलए के ऑफिस से लेटर दिलाना पड़ेगा। अभी तो फिर एमएलए के पास जाना पड़ेगा, एमएलए के ऑफिस से लेटर यही दिला सकते हैं, क्योंकि ये एमएलए का पड़ोसी था पहले, है ना, पहले पड़ोसी था ना तू, एक ही बिल्डिंग में रहते, तभी इसका ही काम है दिलाने का, बच्चे का पासपोर्ट बन जाएगा। तभी फिलहाल बस आया है घर पे, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं बैठ के ज़रा, अभी मेरा धीरे 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 अभी हेडेक कम हुआ है, पर दीप्ती का वापस बुखार आ गया। A few moments later. तो मेरा सर फिर से फटने लग गया, तो मैं वापस घर आ गया, और अभी मैं बस सोने जा रहा हूँ, क्रैश हो जाऊँगा क्योंकि बहुत नींद आ रही है, सर फट रहा है अभी लिटरली। कल का क्या करना है, कल जाने हैं, कल नहीं ठीक। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। कल के वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा ACSM के बारे में, क्लास जाकर आऊंगा उसके बाद में, और एज इट इज का वे परफॉर्मेंस जरूर ट्राई करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट करना, और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड दिया है उसको जरूर यूज करना। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड दुआ करो कि सब ठीक हो जाए, हम लोग एक के बाद एक बीमार पड़ते जा रहे हैं। वेदर वैसा है क्या, काय का वेदर, मेरे को हेडेक ही होते जा रहा है, मेरा सर दर्द देखो थोड़ा कम होता है ना।